जाने ये साजन सवाई का मेला है, ये मेले का मेला है और ये तिजारती माल की, चौपाए माल की भी इधर बहुत बड़ी तिजारती मंडी लगती है। जी सर, दूर दराज इलाकों से लोग अपने माल मवेशी जानवर लाकर इधर बेचते हैं। ऊंट और घोड़े भी बहुत अच्छे आते हैं। वाह सर, ऊंट सही देखो लाडू, ये घोड़ी देखे सही। वाह, नहीं घोड़ी आज ऐसी खरीद करनी जो लाखों में एक हो और इस इलाके में ऐसी कोई घोड़ी ना हो। सही, घोड़ियाँ बहुत अच्छी आई हैं, आपको पसंद आएंगी, चल कर देखे। बहुत खूबसूरत घोड़ी जवाब, बहुत बहुत कैसी, वाह वाह सही, वाह वाह, ये सही जवाब। चलो देखेंगे, वाह सही, ये सही कैसी पसंद आई सही, बहुत अच्छी थी, वाह अच्छे नस्ल की घोड़ी है। सही, घोड़ी जो पहले देखी वही खरीदते हैं। चलो सही, सौदा कर लो। सही, ये पैसे मुनासिब है। अच्छा बाबा ठीक है, मुनासिब। सही बात सही की खैर, सही नाराज हो क्या? हाँ भाई, आजकल के जमाने में तो हर कोई बादशाह आदमी है, बादशाह कोई किसी को अपने घर से रोटी नहीं खिलाता है भाई। अब देखो ना भाई, तुम भी दिल के बहुत बड़े बादशाह हो आजम भाई। थोड़ा तो बताओ, मैं झूठ बोलता हूँ? बातें कम करो, ज्योति को टांका लगाओ। अच्छा, जब तक मैं तुम्हारी ज्योति को टांका लगाऊ ना, तब तक ये चप्पल पहन लो। ये पहन लो? रेदल मुराद खान ने कहा थी कि जल्दी से मरम्मत करो। बुरा, पहले मेरी जूती। हाँ सर, चलिए। इससे अली मुराद को जानते हो तुम? जानता हूँ। पता नहीं, मैंने समझा कि शायद तुम नहीं जानते हो। सही है, तो अपने इलाके का आदमी, पर सही इसका गांव हमारे गांव से जरा दूर है, इसलिए मैंने समझा कि शायद तुम नहीं पहचानते हो। पर हाँ सही, एक जमाना था कि अगर 20 कोस दूर से भी कोई गाय या भैंस इधर आ निकलती थी ना, तो लोग उसको पहचान लेते थे कि ये फुला की गाय है। मगर आजकल तो सही पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता है, शनाख्त कम हो गई है सही, शनाख्त। बातें कम करो, मुझे देर हो रही है।
ये जो अली मुराद है ना सही, अली मुराद सही है, बड़े जिगर वाला आदमी, सही बड़ा रोग है इसका इधर। पर सही अगर अली मुराद अगर डरता है ना तो शेर मोहम्मद खान से डरता है। सही क्यों ना डरे सही? देखो ना, अगर शेर मोहम्मद खान से कोई भिखारा ले लेवे ना, वो तो सही उसकी सात पीढ़ियों को खत्म करके रख दे। तो उनका सरदार है ना, सरदार सही। तुमने देखा है उसको? सही सुना है ना कि जब से वो ब्लैक से पढ़ लिख कर आया है, वो अपने लोगों में जरा कम दिलचस्पी लेता है। सही? हाँ। सही, तुमने अली मुराद की घोड़ी देखी है? नहीं। हाँ सही, उसने वो घोड़ी साधन सवाई के मेले से खरीदी है। सुना है कि पूरे सिंध में उस घोड़ी का मुकाबला नहीं है। सही सही, किस नाच से चलती है? सही, जब चलती है ना तो उसके सुंब जमीन पे नहीं लगते, सही दिल पे लगते हैं, आके दिल पे। सही 30,000 तक लोगों ने बोली बोली, पर अली मुराद बोलता है कि घोड़ी बेचो तो मां को बेचो। सही बड़ा दिल है उसका उस घोड़ी के साथ। किसी चोर के हाथ नहीं जड़ी अभी? परी परी सही, तोबा करो तोबा करो सही, उस चोर की भला शामत आई है क्या? उस जलती आग में हाथ डाले है? उस चोर को अपनी तकदीर जरा खराब करनी है क्या? है देखो ना, बड़ा रोब है उसका इधर। भाई चोर तो क्या, सांप भी उसके दरवाजे को पार करते हुए घबराते हैं। बड़ा रोब है सही उसका इस इलाके में। कितने पैसे हुए? 4,000। अगर अच्छी नहीं बनाई होगी तो यही जूती तेरे सर पे आके तोड़ूंगा। सही, देखो ना सही, हम लोग कारीगर आदमी तो जमीन की तरह होते हैं, कुछ बोलते नहीं है। सही, आइए आइए अली मुराद खान, आइए आइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे देखते क्या हो, साई को जगह दो, एक कप चाय का पीते हो, सारा दिन बैठे रहते हो। चलो सही बैठे। भाई आज तो हमारे भाग खुल गए, आप हमारे होटल पर तशरीफ ले आए। क्या खिदमत करूं भाई आप? 2-3 पैकेट बिस्कुटों के ले आए। कौन से बिस्कुट भाई? कौन से भाई? जो अच्छे हैं। बहुत है पता नहीं भाई आपको कौन से अच्छे लगते हैं। भाई वैसे भी आपका अपना होटल है, खुद चल कर ले ले। आइए कहता हूं उठो। ये जगह तुम्हारी नहीं, होटल की है। यहां पहले मैं बैठा हुआ था, अब मैं बैठा हूं। मैं कहता हूं उठो। दो ना, ये नहीं देते तो फिर ये ले लो।
बोलन भाई देखा तुमने हाशिम का काम। अरे हक पे निकाला है तो आप बेटे को बिरादरी से, बात है समझ की। भाई अगर इनको बिरादरी से ना निकालते तो पता नहीं कितने लोगों के सर फट जाते अब तक। मक्कन खान वो है ना कुत्ते के पूंछ वाली बात, 20 साल हो गए इनको बिरादरी से निकले हुए, फिर भी वही हाल है, टेढ़े के टेढ़े। डोलन भाई अभी ठहरो, कुछ अच्छे और ठहरो, सीधे हो जाएंगे, निकाल देंगे इनका भी बल। भाई हम जानते हैं लोगों को सीधा करना, ये जो बिरादरी होती है ना, बिरादरी होती है पत्थर, तुम पत्थर से सर टकराओगे, पत्थर तो नहीं टूटेगा, हाँ सर जरूर टूट जाएगा। और फिर अभी वक्त ही क्या गुजरा है, वक्त बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता है भाई, ये तो दो मामूली आदमी हैं, शानवीर खान और उसका बेटा हाशिम। यरे पता नहीं इनको लड़ने में क्या मजा आता है, थोड़ी थोड़ी बात पे कुहाड़ी उठा लेते हैं, ये बात है झूठ है। बात ये है डोलर भाई कि ये जो अपना गांव है ना, इसकी बात ही छोड़ दो, बहुत ही खराब लोग हैं ये, इस गांव में ऐसा कोई जवान ही नहीं है जो इनको सीधा करे। जवान है क्यों नहीं है, बहुत है, पर डोलन भाई लोहे को लोहे से काटने के बजाय अगर जबान से काटा जाए तो शोर नहीं मचता। बरोबर, ये जो जबान है ना बड़ी तेज है भाई, बड़े बड़ों को काट के रख देती है। एक भाई दोसू, ये जो गांव है ना अपना, ये तुम्हारा भी गांव है और हमारा भी है, ये मानते हो? क्यों नहीं मानता भाई। अच्छा फर्ज करो इस गांव के किसी आदमी की अगर बेइज्जती हो जाए तो वो बेइज्जती तुम्हारी भी है और हमारी भी है, है कि नहीं? बिल्कुल सही है। पता है आज भरे बाजार में क्या हुआ? क्या हुआ? मुझसे न पूछ भाई, इससे पूछ ये बताएगा। अरे पूछम पाछी काहे की, वो हाशिम है ना हाशिम, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मगज खराब है उसका, निकल जाएगी अक्कड़ किसी मर्द के हत्थे चढ़े तो। पर भाई मेरे उसने किया क्या? क्या किया उसने? अरे वो तो किसी की इज्जत ही नहीं करता, रास्ते चलते लोगों की पगड़ियां उतारता फिरता है, कोई उसको बोलने वाला ही नहीं, बात है समझ की। पर भाई बिरादरी से निकाले हुए आदमी को भला कोई क्या कहे? भाई बिरादरी से निकलने का मकसद ये तो नहीं है कि हर किसी की पगड़ी उछालता फिरे। पर पता तो लगे आखिर उसने किया क्या? वो तुम्हारा छोटा भाई है ना फकीरा, हाँ हाशिम के बच्चे ने आज भरे बाजार में उसकी बेइज्जती की है। क्या किया? क्या किया है? 10 आदमियों के सामने उसे बुझा दिया है। भाई कोई खून खराबा तो नहीं हुआ ना? अरे खून खराबा कहां से होता भाई, ये जो अपने गांव के छोकरे हैं ना, खा पी कर गेंडों की तरह चलते हैं, ये सिर्फ नाम के हैं, वालदेन की कमाई हराम कर रहे हैं। अरे बाजार में चलते तो ऐसे जैसे दोस्त मामन, हमने तो समझा था कि तुम्हारा भाई मर्द मांग है, मगर वो तो ऐसा ही है। पर वो तो अभी तक घर भी नहीं आया। ले क्या था बेचारा शर्म के मारे। ये झगड़ा किस बात पर हुआ? कोई बात नहीं थी,
पहले तो उसकी अली मुराद से तू तू मैं हो गई, बाद में हाशिम के बच्चे ने भी उसकी बेइज्जती कर डाली। लो, ये कोई बात हुई? अली मुराद? हाँ, खैर वो तो हुआ दूर का अभी, पर ये हाशिम का बच्चा तो अपने ही गांव का टकेगा छोकरा है, और वो भी गांव से निकाला हुआ। अगर ये भी इस तरह करता फिरे तो फिर तो भाई अल्लाह ही हाफिज। यार कहीं वो छोकरा किसी से फड्डा न कर ले, कहीं किसी से लड़ न बैठे। ले भाई डोलर खान, ये तो अपने भाई से भी गया गुजरा है। चल उठ यार। दोस्त मोहम्मद, कान खोल के सुन, अगर तुम्हारा ये हाल रहा तो कल कोई तुम्हारी पगड़ी उतार लेगा। बात है समझ की? वाह साईं वाह, आज तो साईं दाद के बड़े ठाठ हैं। अदा जी मेरी मिठड़ी बहन, क्या बात है, आज ये तक गुर गुर के आईना क्या देखा जा रहा है? बगनी, अपना ही चेहरा देख रहा हूँ ना, किसी और का तो नहीं देखता। कौन रोकता है भाई तुझे, पर एक सलाह दूं? हाँ दो, एक नहीं दस दो। ऐसा करो कि पाव भर तेल डालो सर में, ठीक, फिर निकालो मांग। चलो ये भी ठीक। होंठों पे लगाओ सुर्खी। क्या 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 क्या, फिर मैं ले आती हूँ चुटिया, फिर तो साईं बड़े। तो सही छोरी, तेरी मैं अभी खबर लेता हूँ, कहाँ जाएगी अब। छोड़ मेरे भाई। नहीं छोड़ छोड़ मेरे भाई, मैं तेरी छोटी बहन हूँ। हाँ छोटी बहन है और बड़े भाई से मजाक करती है। नहीं खाती मजाक। हाँ चल कसम खा, कसम खा। नहीं खाती। नहीं खाती। अच्छा, अई, घोड़ा। बोल, अब आई बात समझ में है? छोड़ो ना मेरी चुटिया। नहीं छोड़ता। चल पहले नाक पर उंगली रख कर तौबा कर। या? अच्छा तो इसका मतलब है कि अभी तक करती हूँ, करती हूँ। चलो चलो यहाँ यहाँ उंगली रखो। उंगली पर नाक। नहीं नाक पर उंगली। हाँ, नाक पर उंगली। चल चल रख उंगली। चल चल हाँ हाँ रख रख जल्दी। साईं दादा साईं दादा। हो हो ओ साईं दादा। हाँ हाँ आयो आयो। अदा ले आओ चुटिया। ठहर तो सही छोरी। अच्छा खैर तुझसे तो मैं बाद में आके नहीं। अस्सलामुअलैकुम। अरे कहाँ हो यार फकीरे, हैं? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया, कहाँ थे अब तक? क्या किया है मैंने? अब भी पूछता है कि क्या किया है तूने? अरे एक तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन आवारा गर्दी करते रहते हो, और सिर्फ घर का काम काज भी मुझे ही करना पड़ता है। भैंसे चराना, घर संभालना, रोटी पकाना, और तुम होके होटल में बैठकर पैसे खराब करते हो, न काम न काज, और ऊपर से अपनी बेइज्जतियां अलग करवाते हो। तुझे क्या मालूम कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तेरा भाई ऐसा है तेरा भाई वैसा है। अरे अरे कुछ शर्म कर, शर्म मुझे मुझे इस गांव में जलील मत करवा। मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी? अरे तू टके के छोकरे को क्या मालूम कि इज्जत क्या होती है? मगर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था, बाकी मेरा था। पर तुझे किसने कहा था कि उन लोगों के मुंह जालक? हाँ किसने कहा है? किसने कहा है कि मैं उन लोगों के मुंह जालक लगाऊं? तुझे जब तक जूते नहीं पड़ेंगे तू नहीं सुधरेगा। निकालो, तुम भी अपनी कसर निकालो। क्या कसर निकालूं? मेरा तो लोगों की बातें सुन सुनकर दिल कुड़ता है। मैंने तुम्हें कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, फिर अपनी बेइज्जती कैसे करवाई? बेइज्जती करवाई है तो बेइज्जती करने वालों को मैं खुद देख लूंगा।
क्या कहा? तुम देखोगे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। अली मुराद से टक्कर लोगे या हाशिम से? दोनों से निमट लूंगा। बड़ा आया है निमटने वाला, तू निपटेगा। तू? अरे इतनी ताकत है तुझमें? हाँ हाँ है इतनी ताकत मुझमें, खाक है। ऐसे थे तो वही निमट लेते। वक्त वक्त की बात होती है, अब पता नहीं कौन सा वक्त आएगा जब तू पहाड़ों को गिराएगा। वो तुम खुद सुनोगे कि मैं तुम्हारे इन पहाड़ों को कैसे गिराता हूं। सुन लिया है मैंने, समझे? सुन लिया है। बड़ा आया है धमकियां देने वाला, बार बार की बेइज्जतियां कराने से तो बेहतर है कि तू ये घर छोड़ के चला जा। अरे मैं खुद इस घर में रहना नहीं चाहता, चला जाता हूं मैं यहां से। चला जा, चला जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, जाके किसी अंधे कुएं में डूब मर। बड़ा आया है धमकियां देने वाला, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जा। आ गए दा, आज की कोई खबर? तुझे तो बस रोजाना कोई खबर चाहिए, बाबा ने नहीं बताया? नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो बाबा कह रहे थे कि आज झगड़ा होते होते बचा। झगड़ा? कैसे झगड़ा? वो अली मुराद नहीं, उसका गांव यहाँ से काफी दूर है, मगर लोग फिर भी उसे जानते हैं। हाँ सुना है, वो तो बड़ा जोरावर आदमी है, सारे लोग उसे डरते हैं। मगर बाबा कह रहा था कि आज उसकी आश्रम के साथ ठंड जाती। आश्रम? अरे वो चाचा शहमीर का बेटा जो बिरादरी से निकाला हुआ है। हाँ लेकिन उसका भी तो नाम है। तुझे तो बड़े नाम सोचते हैं भाई मेरे, घर की चार दीवारी के अंदर तो सिर्फ नाम ही घुस सकते हैं। आश्रम को तो तूने देखा होगा? हाँ बचपन में हम साथ खेलते थे। अरे वो तो तूने बचपन में देखा था, अब देखा है उसे? हाँ मासी के साथ एक रोज अस्पताल जाते हुए देखा था। अच्छा मेरी प्यारी बहन, अब मुझे लगी भूख, जल्दी से खाना ला दे। बेटे अली मुराद, मेरी जबान से कोई कड़वी कसली बात निकल जाए तो दिल में नहीं करना। जमाने कोई कड़वा चखा है, वो जो कड़वात है ना अभी तक मेरी जबान पर भी लगी हुई है, कोशिश करता हूं पर उतरती नहीं। इसलिए हमारी बात और बंदूक की गोली साफ साफ निशाने पर लगती है। ये जो तुम्हारा चलने का ढंग और देखने का अंदाज है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर कैसे चलूं? जब चलते हो ना सिर्फ ऊपर देखकर मत चला करो, एक नजर नीचे जमीन को भी देख लिया करो। ये जो जमीन है ना बड़ी प्यारी बड़ी जालिम चीज है, बड़ी जालिम बड़ी प्यारी। पता है इसे जो कोई देखकर नहीं चलता ना उसे ये नीचे गिरा लेती है। सुनते हो ना मेरी बात? जी सुन रहा हूं। और ये लोगों के सरों से ऊपर देखना भी अच्छा नहीं, पता नहीं कोई दोस्त हो कोई दुश्मन हो। फिर कैसे देखूं? सीधा लोगों की आंखों में देखा करो। दूसरे इलाकों का मुझे पता नहीं है लेकिन हमारे इलाके में आंख जबान से ज्यादा बोलती है, समझते हो मेरी बात? हाँ समझ रहा हूं। एक बात बताओ चाचा, अगर सामने वाला ज्यादती करे तो क्या आप उस वक्त भी खामोश रहोगे? तुमने समंदर को कभी गौर से देखा है? देखा है। कितना खामोश संजीदा,
गहरा और फैला हुआ है। पता नहीं उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। आदमी को भी समुंदर की तरह होना चाहिए। इंसान है, गलती हो जाती है, तो उनसे भी कोई बहुत बड़ा जुर्म हो जाए उसको अपने अंदर छुपा लो, जिस तरह समुंदर ने बेशुमार चीजें अपने अंदर छुपाई हुई हैं। बात करते खून का एक कतरा भी तुम्हारी आंख से न बोले, इसलिए कि तुम दादन खान के बेटे हो। वो दादन खान जिसकी आंख बंदूक की नाली से काली रातें भी कराती थी, जिसके नाम की दहशत अब भी न सिर्फ लोगों के दिलों पर छाई हुई है, बल्कि दरिया के किनारे जितने भी बड़े बड़े दरख्त खड़े हैं उनकी चोटियों पर भी छाई हुई है। चाचा, और लोगों से अबू के बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर आपने उनके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। क्या पूछ बैठे, दादर खान, तुमने सावन के महीने में दरिया की मौजें देखी? नहीं देखी। मैंने देखी बेटे, मैंने देखी। बड़ी खतरनाक होती, बड़ी ही खतरनाक। चाचा रुक क्यों गए? चाचा चाचा क्या बात है? कुछ नहीं बेटे, बात ही कुछ ऐसी थी। हाँ तो मैं बात कर रहा था, सावन के मौसम में जब ऊपर आसमान भरा हो और नीचे दरिया अपनी मौजों के साथ बह रहा हो, क्या बात थी दादन खान की। दादन खान इस खतरनाक मौसम में 10-10 भैंसे चोरी करके कंधे पे यूं बंदूक लटकाए तन्हे तन्हा रातों रात दरिया को तैर के दूसरे किनारे ऐसे ले जाता था जैसे कोई बात ही नहीं। अली मुराद, आदमी से लड़ना तो बहुत आसान बात है, उसके लिए बंदूक की एक गोली काफी है, लेकिन अंधेरी रातें, घने जंगल, दरिया की उमड़ती हुई लहरों से लड़ते वक्त गोली नहीं चलती, वहां तो हौसला चाहिए, हौसला, जिगर चाहिए, इतना बड़ा जिगर। कहां से आएंगे वो लोग? जिते मुंजा मारूवड़ा, जिते मुंजा मारूवड़ा, जिते मुंजा सांगीड़ा, जिते मुंजा मारूवड़ा, जिते मुंजा सांगी। किस बात पे रोना धोना हो रहा है? बस ऐसे ही रोना क्या? ऐसे किसी को रोना नहीं आता, कुछ तो है। ये कोई पूछने की बात नहीं है। तो फिर तुमने कभी गूंजे देखी है? तुमसे ज्यादा देखी है। बस यादें भी गूंजों की तरह आती हैं, चली जाती है, फिर आती है, और जब आती है तो दिल रोने को करता है। किसकी यादें आ रही हैं तुमको? अपने अजीजों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने गुजरे हुए वक्तों की। आशम की माँ, ये तुम्हारे आंसू तेरे अजीज रिश्तेदार नहीं देखते, मैं देखता हूं, और आंसू जो देखते हैं वही उनकी कदर करते हैं। ऐसे बेकदरों को याद ही क्या करना जिन लोगों ने। साल बहुत बड़ा अरसा होता है शमीर, ये दिन अंगुलियों पर गिन कर देखो तो अंगुलियां भी टूट जाएंगी। 20 साल, उसमें किसका कसूर है? किस्मत का। किस्मत का कोई कसूर नहीं। तो फिर मेरा होगा कसूर? न तेरा है न तेरी किस्मत का।
ये तेरे अजीजों और रिश्तेदारों का कसूर है। कसूर सज्जनों का नहीं होता। ये तेरे सज्जन है शाही। मैं जिस गांव में पैदा हुई, पली बढ़ी, जवान हुई, जिस गांव में मेरी चुन्नी तेरी अजरक के साथ बांधी गई, उस गांव को, उस गांव के लोगों को कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं? रिश्तेदार, अजीज, गांव, सब को मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन लोगों ने जो मेरे सीने पे जख्म दिए हैं, कभी देखे हैं तुमने? मेरा इस घर में दिल घबराता है। तुम तो मर्द हो, बाहर जाकर लोगों से बातें करके आ जाते हो। मैं किससे बोलूं? घर की दीवारों से, ये दीवारें मुझे खा जाएंगी। तो मैं क्या करूं? कहो तो तुझे गांव छोड़ाऊं। मैंने कब कहा कि मुझे गांव छोड़ क्या? फिर रोती क्यों हो? ये हक भी छीन लो। और कौन से हक मैंने तुम्हारे छीने हैं? मैंने कब बोला कि तूने मेरे हक छीने? तो फिर क्या कह रही हो? खुदा के वास्ते मुझे मेरे हक छोड़ दे। तो जा, जाके अपने अजीजों और रिश्तेदार में मार। बाबा कुछ नहीं। कुछ तो है। मैंने कहा कुछ नहीं। क्या बात है मां? कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं। फिर तुम रो क्यों रही हो? मेरे लिए कुछ करो। मैं इस दोजख में अब नहीं रह सकती। इस घर की तन्हाई मुझे खा जाएगी। बहुत दिन रह ली मैं इस घर में। मुझे आदमियों में ले चलो ताकि मरने से पहले कुछ शिकायत तो देख लो। तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी तुझे समझाता हूं। मैं कहता हूं छोड़ दे मुझे। पर बाबा, मैं कहता हूं जाना, एक दंडा तुझे भी चढ़ दूंगा। खामखा, मैं कहता हूं जावाना, मारो, मुझे ही मार दो। पर अम्मा को न बोल, थुक कथई माओ पुट।
अड्डा सजन क्या है बाजार? कान लगाकर सुनो। अभी तो बड़ी फजर का वक्त नहीं हुआ, काफी रात पड़ी है, सोने दो। अड्डा बड़े फजर का वक्त हुआ है, जब ही तो कह रही हूँ कि कान लगाकर सुनो। होकर है क्या पता तो चले। अड्डा घोड़े के पांव की और उसके हिंडाने की आवाज नहीं आ रही है, ये वक्त उसके चारा डालने का है। क्या कहा? मेरे कानों से झूठ नहीं बोलते, मेरे ख्याल में अपने घोड़ी चोरी हो गई है। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। किस चोर की जुरत है कि हमारे घर की तरफ आग उठाकर भी देखे। अड्डा ये घड़ी मुझसे झूठ नहीं बोलती, बाहर निकल कर देखो तो सही। अच्छा देख लेता हूँ। अली मुराद, बेटे अली मुराद उठो जरा। अली मुराद क्या है? बाहर जरा जाके देखो, घोड़ी की आवाज नहीं आ रही। घोड़ी की आवाज नहीं आ रही? नहीं। हा? चाचा घोड़ी है? नहीं, चोरी हो गई। मगर ये हिम्मत किसने की है? करने वालों ने की है, फिर उसे चुरा कर ले गए। चाचा घोड़ी चोरी करने वालों की मैं नस्लें तबाह कर दूंगा।